सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेयरहेड। कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका गेयरहेड चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए केरला। तो अभी इस वक्त हूँ मैं दुर्ग में, और जैसा कि आप सब देख सकते हैं पूरा पैकिंग लगभग हो गया है। ये अपना जो है ड्रोन है ये रेडी हो चुका है, उसके नीचे उसका बॉक्स है और वहाँ पर जो है DSLR रखा हुआ है, और वो रहा DSLR सेटअप जिससे कि हमारी बाजी व्लॉगिंग करने वाली है। तो सब सेट हो गया है और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं वेइंग मशीन जिसको हम लोगों ने लाया था ताकि हम लोग अपना बाइक को जो है वेट करके चेक कर सकें कि 15 किलो से ज़्यादा तो नहीं है। वैसे मेरे को डाउट है कि मेरा बाइक 15 किलो से ज़्यादा हो जाएगा, तो शूज़ मैं बाहर निकाल लिया हूँ फिलहाल तो, और कुछ आइटम्स जो है मैं इसमें से निकाल चुका हूँ ताकि वेट कम हो जाए। फिर भी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो सब हो गए, बस कैब वाला आने वाला है 15 मिनट में, निकलते हैं यहाँ से फटाक से। दोस्तों अभी एक सीन हो गया। एक्चुअली ये जो ड्रोन है इसको अपन हैंड बैग में रखे हुए थे, और ये जो है अपने को डालना था बैगेज में, तो पूरा जो सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया, उसके बाद बोले कि वापस बैग में डालना है, तो वापस आया। अभी बैग के लिए फिर से लिए हैं अपन ऑर्डर, बैग वापस आएगा, फिर ड्रोन रखना है, फिर से अंदर जाना पड़ेगा, तो ये सब पूरा सीन वापस करना पड़ेगा, तो इसके कारण थोड़ा लेट हो रहा है। वैसे 9 बजे के बाद ही अपना बोर्डिंग, 9:25 का, आधा घंटे से ज़्यादा है अपने पास, तो टाइम तो हो जाएगा। सो दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 9:06, और ड्रोन जो है हम लोग का फाइनली जो है बैगेज में चल दिया, और अच्छा सर्विस था अपना, जो बैग फाइनली आ गया वापस और ड्रोन डाल दिया और वापस से चल दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे जाके फिर अपने को फ्लाइट उसके आगे में मिलेगा गेट नंबर। अभी 20-25 मिनट बचा हुआ है अपने पास, तो यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक जो DSLR से फ़ोटो है मोबाइल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बाकी एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, छत्तीसगढ़ द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये बात मेरे को भी अभी पता चला। सो दोस्तों अभी 1:03 हो रहा है, हम लोग पहुँच गए हैं बेंगलोर एयरपोर्ट, और यहाँ पे लॉन्च एक्सेस के लिए जो है हम लोग अपना क्रेडिट कार्ड को देके डिट डाले, तो हम लोग दोनों जो है एलिजिबल है, तो 2-2 रुपये कटा है। अभी हम लोग का लॉन्च एक्सेस मिल जाएगा, 1:30 बजे के बाद जो है अपना नंबर आएगा, तो 1:30 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं, आधा घंटा और अपने इंतज़ार करना है, और बोर्डिंग पास भी निकालना है क्योंकि बेंगलोर से अपना कोची का फ्लाइट है, 3:45 को बोर्डिंग टाइम है, तो देखना पड़ेगा कौन से गेट पर आएगा, उसके लिए अपने को थोड़ा पहले भी निकालना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बड़ा है बेंगलोर के एयरपोर्ट भी, और सीन्स कुछ ऐसे हैं यहाँ के। ये है मेरा बैग, ये बाजी का जैकेट, और ये रहा एयरपोर्ट, हिना बाजी, तो मिलते हैं सीधा आपसे आगे। और हाँ, अगर आपको भी एयरपोर्ट पे कम रेट में अच्छे रेट में खाना खाना है, तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड रहेगा आप रिसर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा बहुत से क्रेडिट कार्ड्स पे जो है आपको ऑफर मिल जाता है, लॉन्च एक्सेस रहता है जिसमें आपको मैक्सिमम ज़्यादातर जो है जितना मन का है उतना खाना खा सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, ये सब फैसिलिटी दिख जाता है। कई तो प्रायोरिटी पास रहता है, जैसा स्पेशल कार्ड है आपके पास, तो उसमें आप नहा भी सकते हो, शावर ले सकते हो, बहुत सी फैसिलिटी आपको जो है मिल जाती है एयरपोर्ट पे। तो इस रिलेटेड टॉपिक पे आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको बहुत से मिल जाएंगे, तो फ़ायदेमंद है एयरपोर्ट पे, क्योंकि खाना बहुत महंगा रहता है। तो एक छोटा सा टिप था, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो अच्छी बात है, अगर एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड जो है वो भी बहुत सारे चल जाते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कौन कौन सा डेबिट कार्ड कहाँ कहाँ चल जाता है, कितने बार एक्सेस मिल जाता है, ये सब डिटेल्स आप सर्च करके देख सकते हैं, तो आपका एक फ़ायदा हो जाएगा, कम रेट में आप खा पी सकते हैं एयरपोर्ट्स पे। वैसे हम लोग तो ऐसा तो है नहीं कि साल में 10-15 बार जाते हैं, 1 या 2 बार जाते हैं, 1-2 एक्सेस फ्री रहता है ज़्यादातर कार्ड्स पर। तो ज्ञान बस यहीं पे समाप्त होता है, अब आप मिलते हैं सीधा आगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं बता रहा था आपको लॉन्च एक्सेस के बारे में, तो ये रहा लॉन्च एक्सेस, सिर्फ 2 रुपये में क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ पूरा इस वीडियो में। तो यहाँ पे कुछ रोटीज़, एप्पी, ये सब रखा हुआ है, आपको जो चीज़ आप ले सकते हैं, यहाँ पे कॉफ़ी और वहाँ पे पानी कुछ है, यहाँ पे लाइन से अलग अलग तरीके का खाना है, यहाँ आप बैठ के खा सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग डेजर्ट रखा हुआ है, मीठा रखा हुआ है, यहाँ पानी पी सकते हैं आप, यहाँ पे खीर है, बिस्किट है, और तो और यहाँ पे आइसक्रीम भी है, यहाँ पे डोसा मिल जाएगा, यहाँ पे पराठे मिल जाएंगे आपको, रोटी वहाँ पे, पास्ता मिल जाएगा, और यहाँ पे दारू मिल जाएगा आप। ये सब था लॉन्च के बारे में,
अलग से आप बैठ के अपने हिसाब से आप खा पी सकते हैं यहाँ पर। तो अपना तो क्या खाना पीना सब कॉफ़ी वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पे अलग अलग चीज़ खाने के। कुछ तो ब्रेड है, कुछ जूस है, सब कुछ है। तो अपना तो लॉन्च में अब बैठते हैं थोड़े देर, बाइक चलाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। और तो और दोस्तों यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं, वहाँ पे भी चार्जर लगे हुए हैं, टेबल रखे हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। इधर रेस्ट रूम भी है, बहुत सारे सोफेस लगे हुए हैं, इधर खड़े होकर भी आप खा सकते हैं। सो वी आर एट कोची एयरपोर्ट राइट नाउ एंड वी आर हियर वेटिंग फॉर आवर बैग। सो पता नहीं कब आएगा, नो आईडिया। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं कोची एयरपोर्ट, और जब पहुंचे थे बता रहा हूँ यहाँ का मौसम एक नंबर था, पता नहीं कितना बजा था, मैं टाइम दिखाया था उस टाइम पे तो आधा एक घंटा से ज़्यादा ही हो गया, उस टाइम एक नंबर मौसम था। और यहाँ पे जो ग्रीनरी था बहुत शानदार था। तो फिलहाल हम लोग जो है टैक्सी बुक कर दिए, अपना टैक्सी आने में थोड़ा सा टाइम है, तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं अपन पिलर नंबर 13 के पास। ये रहा हमारा सामान, ये रहे अपन, ये रहे हिना बाजी, और वहाँ पर खड़ी हुई है एक रेड कलर की BMW। इंतजार करते हैं अब अपनी गाड़ी का। आपका प्लेस नेम यू? सो अभी 8:15 हो रहा है और हम लोग है फोर्ट कोची में, और यहाँ पे रूम ढूंढने के लिए आए थे तो ऐसा लगा टैक्सी तो घुसेगा नहीं, वैसे फिलहाल यहाँ पे गाड़ियाँ खड़े हुए हैं गली में, तो डाउट हो रहा था इसलिए टैक्सी दूर में है, बहन वहीं टैक्सी में है, मैं आया हूँ रूम देखने के लिए। तो रूम तो अवेलेबल नहीं था, फिलहाल एक दूसरे जगह पता किए कॉल करके, तो वहाँ रूम अवेलेबल है, वहाँ जाके चेक करते हैं, अभी देखते हैं, अगर वहाँ मिल गया तो वहाँ ले लेंगे स्टे, और बाकी के अपडेट देता हूँ मैं आपको आगे चल के। फिलहाल कुछ ऐसे रोड्स हैं यहाँ के, हो रही हमारी टैक्सी, आखिरी में दिख रहा होगा आपको, तो चलते हैं यहाँ से। बाकी कुछ इस तरीके से घर से बस यहाँ से थोड़ी दूर में बीच है, कोची का बीच। सो दोस्तों फिलहाल हम लोग कोची पहुँच गए, रूम ले लिए हैं, कुछ इस तरीके से रूम है देख सकते हैं, और इस तरीके से इसका वॉशरूम है, उधर नहाने के लिए दिया हुआ है। और रूम का जो कॉस्ट है वो है 1400 रुपया अपने को पड़ा है, और फिलहाल वैसे टाइम पे ज़्यादा रहता है, हम लोग रात को लेट आए इसलिए शायद कम में पड़ गया। एसी रूम में देख सकते हैं, रूम में एसी लगा हुआ है, और वहाँ पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो अलग से लाइट लगा हुआ है, यहाँ ट्यूबलाइट लगा हुआ है, यहाँ थोड़ा लैम्प है, बाहर में अच्छा बालकनी टाइप का है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर सुबह टाइम मिला तो सुबह उजाले में आपको अच्छे से दिखा दूंगा, इसका ब्रीफिंग दे दूंगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे वहाँ पे फ्रिज भी है, और यहाँ पे टेबल चेयर्स लगे हुए हैं, उधर आखिरी में पियानो वगैरह भी है, कुछ इस तरीके से इसका पूरा लुक है। और ये फर्स्ट फ्लोर पे नीचे है, और होटल का नाम रेड्स होम टाउन है, रेड्स रेसिडेंसी है, होम स्टे है ये। तो बाकी सब बढ़िया, अभी चलते हैं अपन खाना वाना खाने, लेट हो जाएंगे अदरवाइज़, और अपने को वेज चाहिए है तो निकलते हैं यहाँ से फटाक से। बाय।